पश्चिम बंगाल के कथित स्कूल भर्ती घोटाले में फंसे मंत्री पार्थ चटर्जी और उनके सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को लेकर ईडी की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईडी की मांग मानते हुए पार्थ चटर्जी को इलाज के लिए भुवनेश्वर एम्स ले जाने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि ईडी पार्थ को सोमवार सुबह ही एयर एम्बुलेंस के जरिए एम्स ले जा सकती है। आज सुबह करीब 6 बजे ईडी के अधिकारी कोलकाता के SSKM अस्पताल पहुंचे, जहां राज्य के उद्योग मंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी भर्ती हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार उन्हें आज एयर एम्बुलेंस द्वारा एम्स भुवनेश्वर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उनके साथ SSKM अस्पताल के एक डॉक्टर और उनके वकील को ले जाने की छूट दी गई है। गौरतलब है कि पार्थ चटर्जी को SSKM अस्पताल से कमांड अस्पताल में स्थानांतरित करने पर ईडी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। ईडी ने कोर्ट से कहा था कि जितने समय के लिए पार्थ अस्पताल में भर्ती हैं, उस समय को कस्टडी के तौर पर न लिया जाए। अगर उन्हें चिकित्सीय इलाज की जरूरत होगी तो हम उन्हें दिल्ली या कल्याणी के एम्स ले जा सकते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को बेचैनी की शिकायत के बाद शनिवार शाम को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। खास बात यह है कि शहर की एक अदालत द्वारा 2 दिन की ईडी हिरासत में भेजे जाने के कुछ घंटे बाद ही उन्हें सरकारी SSKM अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया था। पश्चिम बंगाल में शिक्षक घोटाले में गिरफ्तार उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी को रविवार को बैंक शाला कोर्ट ने 1 दिन की प्रवर्तन निदेशालय के रिमांड में भेज दिया। वहीं ईडी ने कोर्ट में कहा कि पार्थ डॉन की तरह व्यवहार कर रहे हैं और धमका रहे हैं। इससे पहले ईडी ने अर्पिता को बैंक शाला कोर्ट में पेश किया और 7 दिन के रिमांड की मांग करते हुए कहा कि पार्थ चटर्जी और अर्पिता को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है, लेकिन कोर्ट ने 1 ही दिन के लिए रिमांड दी। साथ ही अर्पिता की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। ईडी ने कोर्ट में कहा कि पार्थ चटर्जी पूरी तरह से स्वस्थ हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती रखने की जरूरत नहीं है, उनकी जांच भी की जा चुकी है। ईडी ने कहा कि वो धमका रहे हैं और किसी भी तरह का सहयोग नहीं कर रहे हैं। SSKM अस्पताल में भर्ती पार्थ ने रात में खाना खाया, लेकिन उन्हें ठीक से नींद नहीं आई और वो रात भर बेचैन रहे। पार्थ का कार्डियोलॉजी विभाग में इलाज चल रहा था, जहां 6 डॉक्टरों का एक पैनल उनका उपचार कर रहा था। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी पर ममता बनर्जी की चुप्पी को लेकर भाजपा ने तीखे सवाल उठाए हैं। पार्टी के IT प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, ममता बनर्जी की चुप्पी उनके इस भ्रष्टाचार में शामिल होने की स्वीकृति है। अब चटर्जी से खुद को दूर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पार्थ और उनके सहयोगियों से ममता के करीबी रिश्ते तो जग जाहिर है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि उनका भ्रष्टाचार सामने न आए, इसी वजह से एक साजिश के तहत केंद्रीय एजेंसियों को निशाना बना रही है। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने पार्थ चटर्जी के खिलाफ ईडी मामले की समयबद्ध जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच सालों तक चलती रही है। उन्होंने कहा, जिस समय घोटाला होने की बात कही जा रही है, क्या नोट उसी समय के हैं? क्या ये सब कुछ मिलान हो रहा है या नहीं? वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।